अभी मत लिखिएगा, मैं टाइम दूंगा आपको, तब लिख लीजिएगा। पहले समझ लीजिए, टाइप्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी। अब कंटिन्यूस कब कैसे होता था, किसी पॉइंट के लिए ही बात कर रहे हैं। कंटिन्यूस होता था जब एल एच एल इक्वल टू आर एच एल इक्वल टू फाइनाइट इक्वल टू एफ ऑफ ए। ठीक है, तो यहाँ पे बहुत सारे केस बन सकते हैं। अगर एल एच एल नॉट इक्वल टू आर एच एल, एल एच एल इक्वल टू आर एच एल बट नॉट फाइनाइट, एल एच एल इक्वल टू आर एच एल इक्वल टू फाइनाइट बट नॉट इक्वल टू एफ ऑफ ए। ठीक है, तो अलग अलग नाम हैं इस चीज़ के। देर आर टू मेजर कैटेगरी ऑफ डिसकंटिन्यूटी, वन इज रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी एंड अनदर इज नॉन रिमूवेबल। ठीक है, अब रिमूवेबल कब होती है, व्हेन लिमिट एग्जिस्ट, मीन्स एल एच एल इक्वल टू आर एच एल इक्वल टू फाइनाइट। ये हो चुका है, केवल केस किस पे बन रहा है, एफ ऑफ ए पे। ठीक है, क्योंकि हमें, मैं आपसे कहूँगा ये पता हो ये कंटिन्यूस है या डिसकंटिन्यूस है, और अगर डिसकंटिन्यूस है तो कौन सी डिसकंटिन्यूटी है। अगर आपको ये बोलूँगा मैं, तो आप सबसे पहले क्या करोगे, लिमिट चेक करोगे ना, उस पॉइंट पे पहले लिमिट चेक करेंगे। अगर लिमिट तो एग्जिस्ट करें, जब लिमिट एग्जिस्ट कर जाएगी तो हम वो पॉइंट पुट करके देखेंगे किसमें, एफ ऑफ एक्स में, जो फंक्शन दिया होगा। ठीक है, तो अगर लिमिट एग्जिस्ट कर चुकी है उसके बावजूद फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है, तो किसका कसूर है, एफ ऑफ ए का। ठीक है, अब एफ ऑफ ए के दो केस हो सकते हैं, क्या क्या हो सकते हैं। एक कहलाता है मिसिंग पॉइंट, मिसिंग पॉइंट डिसकंटिन्यूटी। मिसिंग पॉइंट का मतलब है एफ ऑफ ए नॉट डिफाइंड। जैसे अपन ने सबसे पहले कभी क्वेश्चन लिया था, एफ एक्स इक्वल टू मान लो एक्स स्क्वायर माइनस फोर अपॉन एक्स माइनस टू एट एक्स इक्वल टू टू। तो अगर मैं लिमिट रखता हूँ तो लिमिट तो एग्जिस्ट करेगी ना एक्स, अरे जीरो अपॉन जीरो केस है, हमने फैक्टराइज किया एक्स माइनस टू एंड एक्स प्लस टू अपॉन एक्स माइनस टू, ये कट गया, एक्स की वैल्यू टू पे, ये फोर हो रहा है। ठीक है, तो लिमिट तो एग्जिस्ट कर रही है, लेकिन एग्जैक्टली टू रखने पे जीरो, एग्जैक्टली जीरो अपॉन एग्जैक्टली जीरो इज नॉट डिफाइंड, सो दैट इज कॉल्ड मिसिंग पॉइंट। कि अगर मैं डायग्राम से समझाऊं तो ये ए था, ए के लेफ्ट में और राइट में वैल्यू क्या है, बराबर है, लिमिट एग्जिस्ट कर रही है, एल एच एल इक्वल टू, बट एग्जैक्टली ए पर कुछ नहीं मिल रहा, कोई फंक्शन डिफाइन नहीं हो रहा, तो दैट इज कॉल्ड मिसिंग पॉइंट डिसकंटिन्यूटी। अनदर इज आइसोलेटेड पॉइंट डिसकंटिन्यूटी, मतलब एफ ऑफ ए डिफाइन तो हो रहा है लेकिन कहीं और आइसोलेट हो गया है। एफ ऑफ ए इज डिफाइंड बट नॉट इक्वल टू लिमिट। मीन्स लाइक दिस, जैसे इसी को मैं क्या बना सकता हूं, आइसोलेटेड पॉइंट बना सकता हूं। कैसे, मैं ऐसा क्वेश्चन बनाता एफ एक्स एक्स की पावर फोर माइनस फोर अपॉन, सॉरी एक्स स्क्वायर माइनस फोर अपॉन एक्स माइनस टू एट एक्स नॉट इक्वल टू टू एंड एग्जैक्टली टू पर फाइव। तो क्या होता, तुम लिमिट के लिए यूज करते, इसका आंसर क्या आ रहा है, फोर। ठीक है, और एग्जैक्टली टू पर वैल्यू डिफाइन है फंक्शन की, लेकिन वो लिमिट के बराबर नहीं है, वो लिमिट के बराबर नहीं हुई, या तो उससे ज्यादा है या उससे कम है, दैट इज कॉल्ड आइसोलेटेड पॉइंट डिसकंटिन्यू। अब इसको रिमूवेबल, ये समझ में आया सबको, अब इसे रिमूवेबल क्यों कह रहे हैं, कहाँ आ रहा है। मिसिंग पॉइंट का मतलब है वो पॉइंट डोमेन में नहीं है, यहां पे डोमेन में नहीं है ना टू, अरे टू नहीं रख सकते ना, टू डोमेन का पार्ट ही नहीं है, यहां पे डोमेन का पार्ट है, टू पर वैल्यू मिल रही है, फंक्शन की कुछ वैल्यू आ रही है लेकिन वो लिमिट के बराबर नहीं है बस, या तो उससे ज्यादा आ रही है या उससे कम आ रही है लिमिट से। ठीक है, अच्छा अब इसे रिमूवेबल क्यों कहते हैं, वैसे ऐसा पूछा नहीं जाता, लेकिन फिर भी जब मैंने पढ़ना शुरू किया तो मुझे लगता था कि कुछ तो रीज़न है, कैसे रिमूवेबल क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि इन दोनों ही केस को हम रिमूव, इसमें से डिसकंटिन्यूटी रिमूव कर सकते हैं।
कैसे कर सकते हैं भाई, ये 5 है इसको नीचे ले आओ। अगर मैं x इक्वल टू 2 पर 4 लिख दूं तो कंटिन्यूस हो गया, ठीक है। और इसको भी मैं ऐसे करूं कि इसको नॉट इक्वल टू 2 पे बोल दूं और नीचे लाके 4 बोल दूं, अलग से डिफाइन कर दूं अगर, तो हम इस डिसकंटिन्यूटी को रिमूव कर सकते हैं। बात समझ में आ रही है, ठीक है। हालांकि कोई नहीं पूछता, आपसे पूछेगा, आप सबसे पहले लिमिट निकालोगे, लिमिट एग्जिस्ट कर गई तो आप ढूंढोगे कि ये कौन सी डिसकंटिन्यूटी है, मिसिंग पॉइंट है, मतलब एफ ऑफ ए डिफाइन नहीं कर रहा है तो मिसिंग पॉइंट है, और एग्जैक्टली पुट करने पर डिफाइन कर रहा है लेकिन लिमिट के बराबर नहीं है। चमक रहा है। देन नॉन रिमूवल, लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। अब लिमिट कब कब एग्जिस्ट नहीं करेगी, लिमिट एग्जिस्ट के सोचो, लिमिट कब एग्जिस्ट करती थी, एल एच एल इक्वल टू आर एच एल इक्वल टू फाइनाइट, ठीक है। अब या तो एल एच एल बराबर नहीं है आर एच एल के, या दोनों बराबर हैं लेकिन फाइनाइट नहीं है। तो देर आर 3 केसेस अगेन। वन इज फाइनाइट टाइप डिसकंटिन्यूटी, फाइनाइट टाइप डिसकंटिन्यूटी मीन्स एल एच एल एंड आर एच एल बोथ फाइनाइट बट नॉट इक्वल। अभी अपन ने एक क्वेश्चन किया था, जो मैंने फर्स्ट वाला क्वेश्चन दिया उसका एक का आंसर 2 आया और एक का -2 आया, तो एल एच एल और आर एच एल दोनों फाइनाइट थे लेकिन इक्वल नहीं थे, तो वो कौन सी टाइप की थी, फाइनाइट टाइप डिसकंटिन्यूटी थी। इसी को जंपिंग टाइप भी बोलते हैं, इज ऑल्सो कॉल्ड जंपिंग टाइप। क्यों बोलते हैं, क्योंकि कितने का जंप था उसके आंसर में, एल एच एल आया था -2, आर एच एल आया था 2, कितने का जंप था, 4 का। तो पूछता है व्हाट इज द जंप ऑफ डिसकंटिन्यूटी, ठीक है। आइसोलेटेड में लिमिट एग्जिस्ट कर रही है, यहां पे लिमिट ही एग्जिस्ट नहीं कर रही, यहां पे एल एच एल आर एच एल बराबर नहीं है, यहां पे बराबर थे। लिमिट तो बराबर, लिमिट तो एग्जिस्ट कर गई थी ना, यहां पे लिमिट ही एग्जिस्ट नहीं कर रही। हम एफ ऑफ ए तो बाद में देखेंगे, पहले लिमिट तो एग्जिस्ट करें। हमने चेक किया गया एफ ऑफ ए फर्स्ट वाला क्वेश्चन जो कराया अभी, हमने चेक ही नहीं किया। क्यों नहीं चेक किया, क्योंकि एल एच एल आर एच एल बराबर नहीं थे, ठीक है। सो इट इज फाइनाइट टाइप, ठीक है। मतलब अगर मैं रफ डायग्राम बनाऊं तो ये कुछ ऐसा बन रहा है, जैसे ए के लेफ्ट में वैल्यू ये है और ए के राइट में वैल्यू ये है। ए के जस्ट राइट में जा रहे हैं तो यहां पे मिल रहा है ना ऊपर, और ए के जस्ट लेफ्ट में जा रहे हैं तो यहां पे मिल रहा है, दोनों की वैल्यू में अंतर आ रहा है, ठीक है। एल एच एल नॉट इक्वल टू आर एच एल बट बोथ आर फाइनाइट। इनफाइनाइट टाइप मीन्स एटलीस्ट 1 एल एच एल और आर एच एल टेंडिंग टू इन्फिनिटी। लाइक दिस बना सकते हैं अपन, सपोज दैट दिस इज ए तो इसमें क्या हो रहा है, ए के लेफ्ट में वैल्यू कहाँ जा रही है, इनफाइनाइट पे, जबकि ए के राइट में कुछ फाइनाइट वैल्यू दे रहा है। दोनों भी आ सकती हैं, ठीक है। एंड अनदर इज ऑसिलेटरी, ऑसिलेटरी टाइप, ये बहुत रेयर है, ये केवल जो पीरियोडिक फंक्शन होते हैं उसमें ऐसा होता है। लाइक लिमिट एक्स टेंडिंग टू इन्फिनिटी साइन एक्स, या लिमिट एक्स टेंडिंग टू इन्फिनिटी फ्रैक्शन पार्ट ऑफ एक्स। अब एक्स अगर इन्फिनिटी में जा रहा है तो साइन इन्फिनिटी क्या होगा, कुछ नहीं पता, लेकिन ये पता है वो किसके बीच में होगा, माइनस वन से वन के बीच में ऑसिलेट करता रहेगा। तुमने कहा नहीं वन होगा, मैं कहूँगा नहीं माइनस वन, लड़ते रहे, पूरी जनता लड़ सकती है इस पर, लेकिन आंसर किसी का नहीं आएगा। तो हम क्या कहेंगे, इट इज ऑसिलेट बिटवीन -1 to 1, सो इट इज डिसकंटिन्यूअस। सेम ईयर फ्रैक्शन पार्ट की वैल्यू क्या होती है, 0 से 1। अब वो ऐसा चल रहा है, अब कहाँ क्या बन रहा है, इन्फिनिटी पता नहीं है, सो इट इज ऑल्सो डिसकंटिन्यूअस। समझ आ रहा है। सो देर आर 2 टाइप्स, रिमूवल नॉन रिमूवल। अब रिमूवल में एफ ऑफ ए पे केस बनाया, एफ ऑफ ए अगर डिफाइन नहीं हुआ तो वो मिसिंग पॉइंट, डिफाइन हो रहा है लेकिन लिमिट के बराबर नहीं है तो आइसोलेटेड।
लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही, मतलब एल एच एल बराबर नहीं है आर एच एल के, लेकिन फाइनाइट है। एल एच एल आर एच एल के बराबर है तो भी क्या हो रहा है, इनफाइनाइट हो रहा है, और या फिर ऑसिलेटी टाइप है। समझ आ रहा है? लिख लें, आराम से लिख लें, फिर मैं क्वेश्चन देता हूँ, क्वेश्चन कीजिएगा। सेवन हो गया ना, टेन ले लेते हैं। पहले लिमिट निकालो, और ध्यान रखना, देखो ये वाले केसेस, देखो ये मैंने शुरू में लिखवाया था एक नोट लिमिट के टाइम, सब लोग ध्यान से सुने, लिमिट के टाइम एक नोट लिखवाया था कि कब कब एल एच एल आर एच एल चेक करना पड़ता है, कब कब चेक करना पड़ता है, एक बॉक्स, फ्रैक्शन, सिग्नम, मॉड और ब्रेकिंग पॉइंट फंक्शन, जहाँ ब्रेक हो रहे हूँ, और आखिरी चीज एट अ पॉइंट वेयर फंक्शन इज नॉट डिफाइंड। ठीक है, जैसे पाई बाई टू पर टेन डिफाइन नहीं होता, तो उस पर आपको एल एच एल आर एच एल लगाना पड़ेगा। x इक्वल टू जीरो पर ये डिफाइन नहीं होगा, इसके डोमेन में नहीं है, तो एल एच एल आर एच एल लेना पड़ेगा, ये तो ठीक है। इसमें जीरो के लिए आपको एल एच एल आर एच एल लेना पड़ेगा, कुछ याद आ रहा है? पाई बाई टू माइनस, पाई बाई टू से थोड़ा सा छोटा लिया, कौन सा क्वाड्रेंट में पहुंच गए, कौन सा क्वाड्रेंट, फर्स्ट क्वाड्रेंट, फर्स्ट क्वाड्रेंट टेन क्या होगा, पॉजिटिव होगा, तो पॉजिटिव इन्फिनिटी देगा। पाई बाई टू प्लस लिया तो किस किस क्वाड्रेंट में पहुंच गया, सेकंड क्वाड्रेंट में, सेकंड क्वाड्रेंट में टेन निगेटिव होता है, सो इट इज माइनस इन्फिनिटी। मैं ग्राफ बना के आपको याद दिलाता हूँ, देखो टेन का ग्राफ हमने सीखा है, अब वो कभी भी दिक्कत आए ना, ग्राफ से बढ़ के कुछ नहीं है फंडामेंटल फंक्शन के लिए। तो ये पाई बाई टू पर खड़े हैं हम, ये टेन का ग्राफ, पाई बाई टू से जरा सा छोटा लिया तो पॉजिटिव इन्फिनिटी है, पाई बाई टू से बड़ा लिया तो माइनस इन्फिनिटी है, तो पाई बाई टू माइनस इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, सो इट इज इन्फिनिटी।
तो 2 की पावर इन्फिनिटी 1 की पावर इन्फिनिटी 1 से बड़े की पावर इन्फिनिटी इज इन्फिनिटी, तो दैट इज इनफाइनाइट टाइप. तो अगर मैं यहाँ पर पाई बाई टू माइनस और पाई बाई टू प्लस लूँगा, तो पाई बाई टू माइनस मतलब पाई बाई टू से छोटा, किस क्वाड्रेंट में? फर्स्ट क्वाड्रेंट. फर्स्ट क्वाड्रेंट में पाई बाई टू से छोटा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में इन्फिनिटी, तो 2 की पावर इन्फिनिटी, 2 की पावर इन्फिनिटी अप्रोचिंग टू इन्फिनिटी, 1 से कोई भी बड़ी वैल्यू है उसकी पावर इन्फिनिटी इज ऑलवेज इन्फिनिटी. ये मैंने लिखवाया है, ठीक है, मुझे अच्छे से याद है. और अगर पाई बाई टू प्लस लिया, पाई बाई टू से जरा सा आगे गए, तो वैल्यू क्या हो रही है? माइनस इन्फिनिटी. तो 2 की पावर माइनस इन्फिनिटी मतलब 1 अपॉन 2 की पावर इन्फिनिटी, मतलब 1 अपॉन इन्फिनिटी मतलब अप्रोचिंग टू 0. तो अगर एक भी इनफाइनाइट हो रहा है, सो दैट इज इनफाइनाइट टाइप डिसकंटिन्यूटी. हर बार जंपिंग टाइप का निकल जाता है. क्यों? जंप निकल जाता है. हाँ, हर बार. कैसे कौन सा? फोर्थ वाला जंपिंग है ही नहीं. अबे इनफाइनाइट है ना फोर्थ में, तो फिर काएगा जंप? कितना जंप मारेगा? हनुमान जी थोड़ी है अपन. तू बताएगी, 4 प्लस ले, 4 माइनस ले, सोच. अच्छा, जंप निकाल, जो बड़ा हो उसमें छोटे से माइनस कर. वही तो हम कर रहे हैं भाई, पाई बाई टू और माइनस पाई बाई टू में डिफरेंस ही तो कर रहे हैं हम. बड़े को छोटे से माइनस करेंगे तभी जंप निकलेगी. क्या हो गया अनिल, समझ में आ रहा है? तो एच एच लगाई ही क्यों? हाँ लिख सकते, एच टेंडिंग टू जीरो प्लस लिख सकते. क्यों ठाकुर, आज आ रहा है कुछ ला रहे हो? तुम बताओ. अरे मैं पूछ रहा हूँ कि समझ में कुछ आ रहा है कि नहीं आ रहा है. मुझे सच में याद आ रहा है, सोमवार आज मंडे, सबकी शक्ल है मंडे आज. 6 क्या आया? क्यों मॉड लगाया ना, मॉड लगाया, 0 प्लस 0 माइनस लो. 0 प्लस लिया तो साइन 0 प्लस फर्स्ट क्वाड्रेंट, फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव तो मॉड डायरेक्ट ओपन, तो साइन एक्स अपॉन एक्स विल बी 1. साइन एक्स अपॉन एक्स लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 प्लस पे 1 हो गया. अब 0 माइनस लिया, 0 माइनस मतलब जरा सा नेगेटिव, तो साइन के अंदर जरा सा भी नेगेटिव गए तो कौन सा क्वाड्रेंट पहुंच गए? फोर्थ क्वाड्रेंट, मतलब 0 के लेफ्ट में, तो वैल्यू क्या हो गई? नेगेटिव. तो साइन नेगेटिव है तो मॉड ओपन माइनस साइन के साथ, तो वो बनेगा माइनस साइन एक्स अपॉन एक्स, और साइन एक्स अपॉन एक्स 1 होता है, सो इट इज माइनस 1. जीरो माइनस जीरो प्लस, जीरो माइनस पे साइन 0 माइनस विल बी नेगेटिव, नेगेटिव तो मॉड ओपन होता है. मॉड में सीखा था हमने कि साइन के अंदर की वैल्यू अगर नेगेटिव है तो ऐसा ओपन होगा, तो साइन एक्स अपॉन एक्स 1 होगा, सो इट इज माइनस 1. एंड 0 प्लस, 0 प्लस पे साइन पॉजिटिव, साइन पॉजिटिव तो डायरेक्ट मॉड ओपन, सो इट इज 1. इट इज जंपिंग, जंप विद 2. सेवंथ वाला 0 प्लस और 0 माइनस क्यों ले रहे हैं? 0 प्लस 0 माइनस, हर चीज का पर्पस पता होना चाहिए. इसके डोमेन में 0 नहीं है, इसलिए 0 प्लस 0 माइनस. तो 0 प्लस, तो 1 अपॉन 0 प्लस इज पॉजिटिव इन्फिनिटी. 0 माइनस का स्क्वायर 0 प्लस, फिर से 1 अपॉन 0 प्लस पॉजिटिव इन्फिनिटी. तो ऐसा मन में वहम आ जाता है कि LHL इक्वल टू है RHL के, तो ये क्या होना चाहिए? मिसिंग पॉइंट या आइसोलेटेड, बट लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट.
because it is not a finite case, it is infinite case, maybe equal but infinite case, so it is infinite type discontinuity. कौन सा वन इसके डोमेन में नहीं है, तो वन माइनस वन प्लस एट्थ का तू बता रहा है क्या, तूने कर लिया एट्थ क्या क्या कह रहा है क्या? लिमिट जब लगाएंगे नॉन जीरो क्वांटिटी कैंसिल हो जाती है, नॉन जीरो थिंग कैंसिल हो सकती है, तो लिमिट लगाएंगे तो लिमिट पे वो कैंसिल हो जाएगा, एग्जैक्टली वन पे कैंसिल नहीं होगा. लास्ट वाला जंपिंग टाइप है ना, आ मैंने कुछ बोला ही नहीं, लेना वन प्लस ले वन माइनस ले. बेटा डिफाइन जो है डोमेन में नहीं है वन, नाइन्थ के, नाइन्थ के डोमेन में वन नहीं आ रहा है, तो अपन को एलएचएल आरएचएल लेना चाहिए, जो तरीका है उस तरीके से चलें तो लेना चाहिए, नहीं तो फंसेंगे कहीं ना कहीं. क्या है मतलब, क्या है से क्या मतलब है तो बता क्या है. नाइन्थ वाले की जंपिंग आ गया, कहाँ जंप करा दी तूने, तो माइनस इन्फिनिटी तेरा आया वो जंपिंग है. जंपिंग होता है जब एल एच आर आर एच एल दोनों फाइनाइट होते हैं, अभी जब इन्फिनिटी हो रहा है ना. हाँ इन्फाइनाइट टाइप है बेटा. हाँ ये मैंने नहीं किया, ठीक है ये अपने आप हुआ है. हाँ ये हाँ मैं इतनी जोर से नहीं करता, हाँ मैं करता तो बचता ही नहीं कुछ. लिमिट में कैंसिल हो जाएंगे बेटा, लिमिट के टाइम हो जाएंगे कैंसिल, लिमिट एग्जिस्ट कर गई, लिमिट आ गई एट. अब एग्जैक्टली वन पे डिफाइन हो रहा है क्या? हाँ एग्जैक्टली वन पे डिफाइन नहीं हो रहा. एग्जैक्टली वन पे वैल्यू मिल रही है क्या? नहीं मिल रही, तो मतलब डोमेन में एक्स इक्वल टू वन पे डिफाइन नहीं हो रहा कुछ, तो ये मिसिंग पॉइंट है. आइसोलेटेड में वैल्यू मिलती है बच्चे, लेकिन वो लिमिट के बराबर नहीं होती. ठीक है नेहल, क्या कर रहे हैं पता नहीं, क्या सिग्नल चेक, कुछ नहीं है तो ऐसे ही था, अरे सांप बिच्छू बनाया है. लिमिट लगा पहले. हाँ इसमें एल एच एल आर एच एल नहीं देखेंगे बेटा, एल एच एल आर एच एल उसमें देखते हैं जिसमें, ये तो इंडिटरमिनेट फॉर्म है ना, इंडिटरमिनेट फॉर्म है, बॉक्स फ्रैक्शन सिग्नम कुछ नहीं है. तो क्या होता है कॉस टू एक्स साइन वाला फॉर्मूला, ये भी एक समस्या है. cos 2x minus 2 sin x plus 3, so it is 1 minus 2 sin square x minus 2 sin x plus 3, तो ये हो गया 4, तो minus 2 sin square x minus 2 sin x plus 4, पूरे में से minus 2 कॉमन निकाल लिया, sin square x plus sin x minus 2, अब ये फैक्टराइज हो रहा है. नहीं समझ में आए तो इसको ऐसे लिख लो, टी स्क्वायर प्लस टी माइनस टू, फैक्टराइज हो रहा है, कितना चाहिए माइनस टू, तो वन को लिख लेंगे क्या, टू टी माइनस टी. अरे चमक रहा है, पेयर बनाया टी टी प्लस टू, माइनस कॉमन तो टी प्लस टू, तो इट इज टी प्लस टू इंटू टी माइनस वन. तो यहाँ पे मैंने लिख दिया माइनस टू, इट इज साइन एक्स प्लस टू इंटू साइन एक्स माइनस वन, ये माइनस अंदर दे दिया तो कितना हो गया, टू टाइम्स ऑफ साइन एक्स प्लस टू एंड वन माइनस साइन एक्स. यहां तक किसी को डाउट है? ठीक है अब बाहर सिग्नम बैठा है, बाहर सिग्नम लगा देता हूं, अब आपको आसानी से दिखाई देगा. अब देखो पाई बाई टू माइनस और पाई बाई टू प्लस, देखना भाई ये तो हमेशा पॉजिटिव है,
सिग्नम को तो पॉजिटिव नेगेटिव से मतलब है, सिग्नम जीरो जीरो होता है, सिग्नम पॉजिटिव वन होता है और सिग्नम नेगेटिव माइनस वन होता है। तो ये कभी भी नेगेटिव नहीं होगा क्योंकि साइन एक्स की मिनिमम वैल्यू माइनस वन होती है, तो माइनस वन प्लस टू इज ऑलवेज पॉजिटिव, ये भी हमेशा पॉजिटिव है। अब इसको देखो, पाई बाई टू से थोड़ा छोटा रखा, पाई बाई टू से थोड़ा छोटा तो वन से थोड़ा छोटा हो गया, तो वन से जरा सा भी छोटा हुआ तो ये क्वांटिटी भी पॉजिटिव, तो सिग्नम पॉजिटिव आ रहा है। सिग्नम पॉजिटिव कितना हो गया, वन। पाई बाई टू से बड़ा रखा, पाई बाई टू से बड़े में भी वैल्यू वन से थोड़ी सी, क्योंकि एग्जैक्टली पाई बाई टू पाई वन होता है, तो थोड़ी सी छोटी हो गई, तो फिर से ये वन से छोटा हो गया तो क्वांटिटी फिर से पॉजिटिव हो गई, तो सिग्नम पॉजिटिव आ रहा है। तो अगेन दिस इज वन। अगर लिमिट एग्जिस्ट कर गई है तो हम किस पे आ जाते हैं, या तो मिसिंग पॉइंट या आइसोलेटेड। तो मैं एग्जैक्टली पाई बाई टू रख देता हूं, तो एग्जैक्टली पाई बाई टू पे दिस इज वन, सिग्नम टू इंटू दिस इज थ्री इंटू साइन पाई टू वन, वन माइनस वन जीरो, सो इट इज जीरो, सिग्नम जीरो जीरो होता है। तो लिमिट एग्जिस्ट कर रही है, फंक्शन भी डिफाइन है लेकिन लिमिट के बराबर नहीं है, सो इट इज आइसोलेटेड पॉइंट डिसकंटिन्यूटी।